हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आईपीएल 2021 को शुरू होने में करीबन एक हफ्ते का समय रह गया है। ऐसे में दोस्तों, टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम से आज तीन बहुत ही बड़ी खुशखबरी और तीन बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जो कि गाइस मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप सभी आरसीबी की टीम के फैन हो और चाहते हो आरसीबी की टीम की ऐसे ही डेली वीडियोस, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को आरसीबी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब गाइस, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। इस गेम की खास बात यह है कि इसमें आप सौरभ गांगुली, दिव्यस लक्ष्मण जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ हेड टू हेड खेल सकते हो। इसको खेलना बहुत ही आसान है। आपको दोनों टीमों में से एक टीम बनानी है, अपनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन बनानी है। और अभी दोस्तों, आईपीएल 2021 भी शुरू होने ही वाला है, जो कि दोस्तों माई इलेवन सर्कल पे अवेलेबल होगा। अगर दोस्तों आपकी टीम ने दिव्यस लक्ष्मण की टीम को हराया, तो गाइस आपको मिलेगा 5 गुना ज्यादा कैश। साथ में गाइस आपको वेलकम बोनस के तौर पर 1500 रुपए मिलेंगे और हमारे व्यूअर्स को 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। आपके जितने पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। तो गाइस, काफी ज्यादा सिक्योर और सेफ ये एप्लीकेशन है। दोस्तों, हाल ही में कई लोगों ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, आप भी जीत सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से गाइस आप माय इलेवन सर्कल एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। तो गाइस, बात करें टीम आरसीबी की पहली बड़ी खबर की, जो की दोस्तों निकल के आई है एबी डिविलियर्स और कैप्टन विराट कोहली को लेकर। फाइनली दोस्तों, आरसीबी की टीम के कैप्टन विराट कोहली और एबी डिविलियर्स चेन्नई पहुंच चुके हैं, जिसके बाद दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने आरसीबी की टीम का बायो बबल को भी ज्वाइन कर लिया है। जिसके बाद दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी जो है 5 दिन का क्वारंटीन होने वाले हैं और 6 अप्रैल से अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। साथ में गाइस, मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने भारत पहुंचने के बाद काफी बड़ा बयान आरसीबी के फैंस के लिए दिया है, जहां पे दोस्तों उन्होंने कहा वो इंडिया वापस आकर काफी ज्यादा खुश है और दोस्तों आईपीएल 2020 का मोमेंटम लेकर वो दोस्तों आईपीएल 2021 में जाने वाले हैं, ऐसा दोस्तों उन्हें लगता है। और इस साल भी दोस्तों उनको ऐसी फील आ रही है कि आरसीबी की टीम कुछ कमाल करने वाली है। तो गाइस, ये स्टेटमेंट आरसीबी की टीम के एबी डिविलियर्स ने तुरंत चेन्नई पहुंचने के बाद दी है, जो कि गाइस आरसीबी की फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। तो गाइस, ज्यादा टाइम नहीं बचा, हम सभी को मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स और विराट कोहली दोनों ही खिलाड़ी दोस्तों प्रैक्टिस का हिस्सा होते हुए दिखेंगे और हम सभी को इसी दिन का इंतजार रहने वाला है। अब गाइस, हम बात करते हैं आरसीबी की टीम की दूसरी बड़ी खबर की, जो कि गाइस निकल के आई है आरसीबी की टीम के ओपनर फिन एलन को लेकर। फिन एलन जो कि दोस्तों जोसफ फिलिपी की रिप्लेसमेंट पे आरसीबी की टीम में शामिल हुए हैं। कल के मैच में दोस्तों उनका एक तूफान आया, जहाँ पे गाइस उन्होंने 29 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेली, 244 का इनका स्ट्राइक रेट रहा और 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 71 रन की शानदार पारी खेली मात्र 29 गेंदों में। तो गाइस, बहुत से लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने डेब्यू मैच में पहली गेंद पे विकेट गवाया था अपना, लेकिन गाइस अब जो है इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और दोस्तों अपनी वापसी कर दी है। साथ में दोस्तों, फिन एलन के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब दोस्तों काइल जेमिसन के साथ में ये 2 अप्रैल को इंडिया के लिए रवाना हो जाएंगे। अब गाइस, हम बात करते हैं टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तीसरी बड़ी अपडेट की, जो की दोस्तों निकल के आज है विदेशी खिलाड़ियों को लेकर। तो गाइस, आरसीबी की टीम के डेनियल सैम्स जो है वो गाइस भारत पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, डेनियल सैम्स भारत के लिए रवाना हुए थे 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन दोस्तों भारत पहुंच चुके हैं डेनियल सैम्स और आरसीबी की टीम के बाय बबल को इन्होंने भी दोस्तों ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डेनियल सैम्स ने कल इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, जहां पे गाइस इन्होंने लिखा कि दोस्तों ये रवाना हो चुके हैं और दोस्तों 2 अप्रैल को ये पहुंच भी चुके हैं। साथ में गाइस, टीम आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन भी आरसीबी की टीम को 3 अप्रैल तक तो ज्वाइन कर ही लेंगे। तो गाइस, आरसीबी की टीम के लगभग सारे खिलाड़ी आने वाले हैं और दोस्तों आने भी चाहिए, क्योंकि 9 अप्रैल को आरसीबी की टीम का पहला मैच होने वाला है। उससे पहले दोस्तों इनको क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा और 3 या 4 दिन की ये सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। आज दोस्तों, ये 3 बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई टीम आरसीबी की तरफ से। अगर दोस्तों आप आरसीबी की टीम के फैन हो, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों पूरे आईपीएल हमारे चैनल पे सारी अपडेट आरसीबी के रिगार्डिंग आने वाली है। तो गाइस, आप लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में।